हेलो गाइस, माय नेम इज़ सचिन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं यामाहा सल्यूटो 125 UBS का, जिसका हमारे पास एक लिमिटेड एडिशन है, जिसे हम मिलिट्री एडिशन भी हम कह सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको कुछ आर्मी टाइप कलर देखने को मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा आई कैची कलर है ये। इसमें आपको दोस्तों सेम वही फीचर्स देखने को मिलेंगे एंड वही इंजन है, सिर्फ इसमें आपको कॉस्मेटिक चेंज है थोड़े से ग्राफिक्स के। इससे पहले हम यामाहा सल्यूटो 125 का रिव्यू कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप इस बाइक को ख़रीदना चाहते हैं तो आप रॉयल मोटर कंपनी में विज़िट कर सकते हैं, यहाँ का नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। आज की वीडियो में दोस्तों हम इसका डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। इसकी हम डिज़ाइन, इंजन, ब्रेकिंग, सस्पेंशन सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप बने रहिए हमारे साथ, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लें, और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर हमें फॉलो करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। सबसे पहले दोस्तों अगर हम लुकिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं फ्रंट से काफ़ी आपको डिफरेंट लुकिंग देखने को मिलती है। आपको एक ब्लैक कलर का छोटा सा वाइज़र मिलेगा, और आपको साथ में ग्राफिक्स मिलेंगे येलो एंड ग्रीन कलर के, और आपको इसमें ऊपर एक DRL भी देखने को मिल जाएगी, और आपको एक हैलोजन बल्ब भी देखने को मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। और फ्रंट मडगार्ड पर भी आपको कुछ ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, कुछ रेसिंग टाइप के आपको ग्रे कलर के ग्राफिक्स मिल जाएंगे, एंड UBS की ब्रांडिंग आपको साथ में देखने को मिलेगी। एंड आप देख रहे हैं इसकी राउंडेड शेप में आपको डिस्क इसमें मिल जाती है। और दोस्तों अगर हम इसके लुकिंग की बात करें राइट साइड से, तो आप इसका टैंक देख सकते हैं। टैंक पर भी आपको सेम वैसे ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, येलो एंड ग्रीन कलर में, जो आपको मैंने कहा कि आर्मी एडिशन की तरह ये देखने को लगते हैं। और राइडर की सीट के नीचे आप देख रहे हैं आपको यामाहा का लोगो देखने को मिल जाता है, एंड आपको कुछ ग्रीन एंड येलो कलर के स्ट्राइप्स देखने को मिलेंगे। और पिलियन की सीट के नीचे भी सेम वैसे ही आपको 125 का ब्रांडिंग मिल जाएगा, और साड़ी गार्ड आप देख सकते हैं, एंड नॉन फ्लेक्सिबल आपको फुटरेस्ट देखने को मिलते हैं दोनों ही, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। एंड आप बैक से देखेंगे तो आपको इसमें एक सिंगल पिलियन ग्रैबरिल देखने को मिलेगा, और काफ़ी बड़ी सी एक टेल लाइट देखने को मिलती है, और एक लाइट रिफ्लेक्टर एंड ओवल शेप के आपको इसमें साइड इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। और साथ में आप देख रहे हैं कि लाइट रिफ्लेक्टर भी आपको मिल जाता है। एग्जॉस्ट की लुकिंग की बात करें तो आपको काफ़ी लंबा एग्जॉस्ट इसमें देखने को मिलता है, जो ब्लैक कलर के साथ आपको देखने को मिलेगा मैट फिनिशिंग में। एंड आप इंजन की भी लुकिंग देख रहे हैं, फुली ब्लैक कलर की थीम में आपको देखने को मिलता है, और बाकी आपको सब कुछ सेम ही देखने को मिलेगा यहाँ से। सीट की अगर आप देखें क्वालिटी, तो सीट भी काफ़ी बड़ी आपको देखने को मिलती है, आराम से 3 बंदे बैठ सकते हैं, पर हमेशा बाइक 2 बंदों के लिए ही होती है। आपको काफ़ी कंफर्टेबल ये सीट देखने में मिलेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो आपको इसमें फुली एनालॉग देखने को मिलेगा, इसमें आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा, ऑडोमीटर मिल जाएगा, फ्यूल गेज, साइड इंडिकेटर आइकन, न्यूट्रल आइकन एंड लो बीम हाई बीम आइकन आपको देखने को मिलेगा। स्विच गियर्स की क्वालिटी की बात करें तो वो भी आपको डिसेंट देखने को मिलेगी, इसकी प्राइस के हिसाब से काफ़ी सारे स्विच गियर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, एंड आपको सेल्फ स्टार्ट भी इसमें मिलती है। अगर हम दोस्तों इसके इंजन की बात करें तो इसमें आपको सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 125 cc का इंजन देखने को मिलेगा, जो आपको एयर कूल्ड इंजन मिलता है। इसमें दोस्तों आपको ये 8.3 BHP की ये पावर जनरेट करता है 7000 RPM पर, और 10.1 Nm की ये टॉर्क जनरेट करता है 4500 RPM पर। इसमें आपको सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, और साथ में आपको इसमें 4 गियर्स देखने को मिलेंगे, एंड ये आपको कार्बोरेटर के थ्रू फ्यूल डिलीवरी इसकी देखने को मिल जाएगी। और स्टार्टिंग मेथड की अगर हम बात करें तो आपको किक एंड सेल्फ दोनों ही देखने को मिल जाएगी, जो काफ़ी बढ़िया बात है। ओवरऑल इंजन की बात करें तो काफ़ी आपको हैवी ड्यूटी इंजन देखने को मिलता है इसमें। और अगर दोस्तों हम सस्पेंशंस की बात करें तो इसमें आपको सस्पेंशंस भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलते हैं। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक देखने को मिल जाते हैं, जो आप देख रहे हैं आपको किस टाइप के मिलते हैं। रेयर सस्पेंशंस की बात करें तो वहाँ पर आपको स्विंग आर्म देख रहे हैं आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे, जो आपको 2-स्टेप एडजस्टेबल देखने को मिलते हैं, तो ये भी आपको ठीक ठाक क्वालिटी के ही मिलते हैं। ये तो बात ही दोस्तों सस्पेंशंस की।
अगर हम ब्रेकिंग की बात करें तो इसमें आपको फ्रंट में डिस्क देखने को मिल जाएगी। आपको इसमें दोस्तों दो मॉडल मिलते हैं, डिस्क एंड ड्रम दोनों का ही मॉडल मिलेगा। ये हमारे पास अभी डिस्क वेरिएंट था, फ्रंट में विद UBS आपको देखने को मिलती है, जो काफ़ी बढ़िया बात है क्योंकि इस प्राइस रेंज में ये काफ़ी मतलब सस्ती 125cc की आपको बाइक मिलती है। आगे जाके मैं आपको प्राइसिंग बताऊँगा। रेयर ब्रेकिंग जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें आपको ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलती है, 130mm की आपको इसमें ड्रम ब्रेक देखने को मिलती है रेयर में। दोस्तों अगर हम इसके टायर्स एंड व्हील्स की बात करें तो इसमें आपको फ्रंट में 18 इंच का आपको अलॉय व्हील देखने को मिलता है, जो आपको साथ में 80/100 के ट्यूबलेस टायर के साथ देखने को मिलता है। रेयर अगर हम टायर की बात करें तो वो भी आपको 80/100 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा, जो आपको अलॉय व्हील्स के साथ ये भी आपको मिलेगा, जो काफ़ी बढ़िया बात है। ये तो बात हुई दोस्तों इसके ओवरऑल रिव्यू की। और अगर हम इसके हम कुछ डिटेल्स में बात करें, इस बाइक में आपको दोस्तों 180mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है, 114kg का आपको इसमें वेट देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों इसमें आपको अगर हम बात करें इसकी व्हील बेस की, तो 1265mm का व्हील बेस मिल जाएगा एंड सीट हाइट 805mm की आपको देखने को मिलेगी। एक चीज़ इस बाइक की मुझे निराश की है, वो है इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी, जो बहुत ही कम है, 7.6 लीटर सिर्फ। भले ही ये माइलेज बढ़िया देती है, 125cc में सबसे बेस्ट माइलेज मुझे इसी की मिलती है, इसी की लगती है सॉरी, और पर इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी काफ़ी कम है, 7.6 लीटर। और दोस्तों अगर हम इस बाइक की प्राइसिंग की बात करें तो ये अराउंड आपको ये इसकी अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो अराउंड ये आपको 65,000-70,000 ये आपको इन लुधियाना इसकी ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पे आप कॉल करके आप पता कर सकते हैं, यहाँ का नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। अगर आप इसे ख़रीदना भी चाहते हैं तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो आपको किस तरह की लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे हमें फॉलो करना ना भूलें। अब इस वीडियो को जरिए एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।